हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बट्टी। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग जो डीप नेक गला में रहेगा। तो चलिए इसका मेजरमेंट लगाते हैं। सबसे पहले चार फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे। हमारा घेर है उस हिसाब से चालीस इंच का घेर है तो दो इंच एक्स्ट्रा करके इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आधा इंच ऊपर निशान लगा के कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब लंबाई के निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा, इसको शॉर्ट कुर्ती बनाना है तो तैयार नाप हमारा 32 इंच है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे तो 34 इंच में निशान लगाएंगे। अब हम बॉडी का डफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ, ये हम ब्रॉड गला में बना रहे हैं तो जो हम अपने ये लंबाई लगाते हैं जो 7 में निशान लगाते हैं उसको 6 में लगाएंगे। ब्रेस्ट का निशान हम 10 में लगाएंगे और कमर के लिए 14 इंच में, और ये चौक हम 19 इंच में लगाएंगे क्योंकि हमारी शॉर्ट कुर्ती है। अब ये सभी निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है। तो हमारा यहाँ शोल्डर है 13 इंच का, तो ये हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसको हम 6 इंच का कर देंगे क्योंकि हमको बस 1.5 इंच की पट्टी चाहिए। चेस्ट है 33 इंच का, 33 इंच का चेस्ट है, उसमें हम एक प्लस किए हैं तो ये 34 का हो गया। तो इसको हम 1/4 करेंगे तो 8.5 इंच, तो 8.5 इंच में निशान लगाएंगे। ब्रस्ट है 35 इंच का, उसमें एक प्लस किए हैं तो ये 36 इंच का हो गया, तो इसके 1/4-9 इंच में निशान लगाएंगे। कमर है 32 इंच का तो 8 में इसका निशान लगाएंगे 1/4 में, और हिप है 40 इंच का तो 10 इंच में इसका निशान लगाएंगे। अब ये निशान को हम मिला देंगे। गले की चौड़ाई हम 3.5-4 इंच में रखेंगे। ब्रॉड गला बनाना है हमें तो सिर्फ 1.5 इंच पट्टी लगे तो आधा इंच इधर से लाइन में जाएगा, आधा इंच 1/4 इंच इधर से लाइन। गले की लंबाई रखेंगे सामने फ्रंट का 7.5 इंच और बैक का 8 इंच। यहाँ स्क्वायर गला बनाना है।
तो ये सामने की चौड़ाई 3 इंच रखें। आधे इंच की तीरा लगाएंगे। पंद्रह इंच के हमारा आर्म होल है तो शेप देते हैं। फिर ये देखिए हमारा 7.5 इंच का आर्म होल आ गया। इसमें हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो फ्रंट का कटिंग इसमें नहीं करना है। अब यहाँ हमारा हिप 40 इंच है तो हम घेर भी 40 इंच ही रखें। तो तैयार 10 में निशान लगाएंगे, 1-2.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो देख लेते हैं कि हमारी तो ड्राफ्टिंग हो गई है, लेकिन इसमें क्या क्या नॉर्मल कुर्ती से और ये ब्रॉड नेक में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जो हम ये आर्म होल का जो निशान लगाते हैं वो हम ऐसे कुर्ती में जो जिसका डीप नेक नहीं रहता उसमें हम 7 इंच में लगाते हैं, लेकिन इसमें हम 6 में लगाए हैं। और जो लूजिंग हम 3 इंच का ऐड करते हैं तो इसमें सब में हम पूरे बॉडी में 1 इंच का ऐड किए हैं, तो इससे फिर फिटिंग अच्छी आती है। और नीचे का ये जो हमारा ये 11 इंच में लगाते हैं जो हमारा बस्ट बाइंड का, उसको हम 10 इंच में लिए हैं क्योंकि इस कुर्ती भी शॉर्ट है। तो इस तरह इसमें चेंज हुआ है। ऐसे आप कटिंग करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो चलिए फिर इसको कटिंग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा फ्रंट में और चेंज करना है, उसको मैं कटिंग करने के बाद बताती हूँ। अब हम बैक और फ्रंट भाग को अलग कर लेंगे। थोड़ा सा गहराई काट लेंगे बस यहाँ तक, और 1/2 इंच इसको छोटा कर देंगे बैक पार्ट्स। अब गले का कटिंग कर लेंगे। इसी तरह पीछे का गला काट लेंगे। तो ये हमारा वेक पार्ट का हो गया। और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग।
तो गाइस हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।